हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानोगे एक रैपनिंग चैम्बर के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक रैपनिंग चैम्बर में कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं। साथ ही साथ आप अपनी आय को एक रैपनिंग चैम्बर की हेल्प से कैसे बढ़ा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रेबो को, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। सर, थोड़ा आपका इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम मनोज पटेल, ग्राम बलगांव, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। जैसे कि जो आपका स्टोर है, इस किस प्रोसेस के लिए यूज आता है? मतलब कि केले पकाने के लिए जैसे, तो आपको इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका आइडिया तो पहले से ही आया था, इंदौर वगैरह गए थे और यूट्यूब वगैरह पे भी देखा था इसका। जैसे कच्चा केला आता है जो खेतों में, जो अच्छा केला रहता है वो तो बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है, और जो थोड़ा सा मीडियम साइज का रहता है वो क्या ले नहीं जाते हैं, वो फिर ख़राब होता है, कम भाव में खरीदते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इसको पका के रैपनिंग करके बेचते हैं तो थोड़ा सा इसका मूल्य, इसका रेट अच्छा मिल जाता है। इसके केले पकाने के साथ जो रैपनिंग आपका चैम्बर है, इसमें और कुछ भी पका सकते हैं? हाँ, इसमें आम वगैरह, सेब वगैरह कर सकते हैं इसमें, मतलब सभी फ्रूट इसमें कर सकते हैं लगभग लगभग, पपीता वगैरह जो भी फ्रूट आते हैं इसमें। ओके सर, अभी क्या पका रहे हो इस चैम्बर में? इसमें अभी केले ही पका रहे हैं, इसमें अब पपीता वगैरह का चालू करने का है, अब चालू करेंगे पपीता, सेब वगैरह। सर थोड़ा अंदर जाके बता दीजिए। ओके सर, जैसे कि यहाँ पे तो आ चुके हैं, जैसे अभी तो चेंबर में केला रखा हुआ है, पर इसकी प्रोसेस क्या रहती है खेत से यहाँ तक? खेत में से जैसे लाने के लिए पहले तो खेत में जाते हैं, काटते हैं उसको, हार्वेस्टिंग करके लाते हैं, उसका स्टैंड रहता है, इस पे झाड़ को, मतलब जो केले रहते हैं उनको वो करके टांग के उसके फिर ग्रेडिंग करते, काट के उसमें पानी में डालते हैं, पानी में डाल के साफ करके वापस ग्रेडिंग करके कैरेट में जमा के फिर यहाँ पे लाते हैं। मतलब कि वहाँ से पूरा क्लीन करके, पूरा क्लीन करके ग्रेडिंग करके यहाँ पे लाते हैं कैरेट में जमा के। जैसे ये कैरेट है, कैरेट में, ये वाली कैरेट में और लाते हैं। ओके, तो कैरेट बड़े छोटे भी रहते हैं? हाँ, कैरेट इसमें बड़े भी, ये बड़े साइज का कैरेट है, इसमें 22 किलो 23 किलो मैक्सिमम, कम ज्यादा 1-2 किलो चलता रहता है। तो आप किसानों से डायरेक्ट केले खरीदते भी? किसानों से डायरेक्ट खरीदते भी हैं, घर के भी हैं, किसानों से खरीद भी लेते हैं। सर थोड़ा आप बता दीजिए किस तरह से स्टोर करते हैं? वहाँ से लाने के बाद इस टाइप से इसको ग्रेडिंग के हिसाब से 3 नंबर अलग रख देते हैं, 4 नंबर अलग रख देते हैं। जैसे कोई भी लेने वगैरह आता है तो उसको दिखा देते हैं कि जैसे ये 4 नंबर है केला, इधर का जो है ये छोटा केला है इसको 5 नंबर बोलते हैं, इस टाइप से इसको रख देते हैं। फिर इसके बाद की प्रोसेस, रखने के बाद की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये स्टोर है यहाँ पे, जैसे आप थोड़ा डिटेल ये फैन के बारे में बता दीजिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये फैन एसी है इसको बोलते हैं, ये ब्लू स्टार का एसी लगवाया है कंपनी का, तो इसमें ये 3 फेज का एसी है इसमें, मतलब ये हमने बड़ा एसी लगवाया है, मतलब ज़्यादा कैरेट रखे भी तो भी ये चल सकता है अच्छे से, इसमें 600 कैरेट रख के चला सकते हैं इसको। तो सर एक चैम्बर की कैपेसिटी कितनी रहती है? इसमें एक चैम्बर में मैक्सिमम 13 टन, मतलब 600 कैरेट के आसपास केले रख सकते हैं, माल रख सकते हैं। जैसे यहाँ ग्रेड के हिसाब से, तो आप किस ग्रेड से स्टार्ट कर रहे हो केले को रखने का यहाँ से? इसमें हम 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे 3 नंबर केला मतलब सुपर क्वालिटी का, 4 नंबर थोड़ा सा उससे मीडियम, फिर 5 नंबर उससे छोटा, 3 क्वालिटी में केला रखते हैं हम। तो आप थोक बेच भी सकते हो क्या? हाँ, इसमें थोक बेच भी सकते हैं, यहाँ से मंडी में भी ले जा सकते हैं, मंडी में भी बेच सकते हैं यहाँ से। सर इसके बाद ये कंट्रोलर है? कंट्रोलर है, इसमें केले रख के इसको गेट को लगा के यहाँ से ओपन करते हैं इसको, एसी वगैरह को स्टार्ट करके ये चैम्बर बने हुए। हाँ, ये चैम्बर के हिसाब से एमसीबी
ऊपर करके चालू हो जाती है जैसे, उसके बाद इसको टेम्परेचर सेट कर देते हैं यहाँ से। अभी क्या लाइट बंद है, यहाँ से टेम्परेचर सेट करके 18-19 पे रखते हैं इसको, टेम्परेचर सेट कर देते हैं। उसके बाद इसको टेम्परेचर इसका 18 पे आ जाता है, उसके बाद इसमें गैसिंग करते हैं एथिलीन की। गैसिंग यहाँ से होती है इसमें, ये बटन ऑन कर दो। यहाँ से कोई से भी 30 नंबर वाले चेंबर में गैसिंग करना है, जैसे एक नंबर में करना है इसको, एक नंबर पे करके इसमें सेटिंग करके, जैसे अभी लाइट बंद है इसमें कितनी मिनट के लिए अपन को गैस छोड़ना है, एक हाँ ये टाइमर है, इसमें एक मिनट में 1 किलो गैस डलती है, मतलब 250 कैरेट पे। तो इसको यहाँ सेट करके फिर यहाँ से इसको वाल्व को चालू करके यहाँ प्रेशर आ जाता है कितनी गैस बची हुई है क्या है, ये प्रेशर ही बता रहे हैं। हाँ इसमें कितनी गैस बची हुई है एथिलीन वो भी बता देता है। तो सर इसको जैसे ये डायरेक्ट सिलेंडर के प्रेशर से वहां चली जाती है कि आपको कुछ और, यहाँ से इसे इसको ओपन किया, इसको वाल्व को चालू किया, इसके बाद प्रेशिंग करना पड़ता है ग्रीन बटन से, टाइमर स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, 1 मिनट चल के वापस बंद हो जाता है। इसको वापस बंद करके इसको वाल्व को वापस बंद करके गैसिंग हो जाती है। तो ये खोल के बता सकते थोड़ा? हाँ जैसे ये पूरी प्रोसेस लगी। हाँ इसमें पूरी प्रोसेस जो भी होती है इसमें जो ऑटोमेटिक, हाँ इसमें ये प्रेशर के लिए इससे ही होता है, ये प्रेशर का है बताने का। हाँ तो इसमें मोटर तो दिख नहीं रही, मतलब कि ये ऑटोमेटिक चला जाता है? हाँ ये इसमें इसका प्रेशर ज्यादा रहता है तो ये ऑटोमेटिक ही चले जाता है, इसको प्रेशिंग करके यहाँ से ग्रीन बटन से तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। जैसे सर ये तो हो गए पूरा कंट्रोल के। हाँ। जैसे मेन क्वेश्चन तो ये रहता है कि जैसे आज पका रहे केले ग्रेड के हिसाब से पका रहे, पर उसमें क्या है कितनी इथिलीन लगती है? हाँ उसमें कैरेट से लगती है, जैसे अपन ने 250 कैरेट से 200 कैरेट तक इसमें एथिलीन 1 किलो एथिलीन लगती है। तो आप एथिलीन का एक टाइम भी रहता है कि इस जैसे 1 घंटे में 1 किलो एथिलीन छोड़ना है कि कम, ऐसे टाइमिंग? हाँ टाइमिंग ऐसे रहता है इसमें, जैसे 1 मिनट में 1 किलो एथिलीन चले जाती है, तो 1 मिनट के लिए सेट करते हैं इसमें, 1 किलो एथिलीन चले जाती है चेंबर में। उसके बाद इसको खोलते नहीं चेंबर को, इसको 36 घंटे बाद ही उसको खोलते हैं चेंबर को, उसकी एथिलीन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रहती है उसको निकालने के लिए खोलते हैं। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए फैन लगा हुआ है, हाँ ये हाँ ऑटोमेटिक, इसको एक ये स्विच है बटन है लगा हुआ, इससे यहाँ से ओपन चालू हो जाता है, ये फैन है इसमें, तो ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं और एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं गेट को खोल के। इसको 10 से 15 मिनट खोल के रखते हैं गेट को, हाँ उसके बाद वापस लॉक करके इसको, हाँ ये जैसे चारों चेंबरों के अलग अलग लगे हुए हैं। तो सर जैसे कि गैस छोड़ी गई है तो उसका टाइम पीरियड रहता है कि उस टाइम तक आप? हाँ उस टाइम तक उसको पैक करके रखना पड़ता है, चेंबर को खोलना ही नहीं पड़ता। खोले तो वो फिर क्या? वो गैस फिर केला पकता नहीं ठीक से, वो क्या कच्चा रह जाता है, फिर कोई सा पक जाता है, इसलिए उसको 36 घंटे का उसका वो है, 36 से 40 घंटे उसको पैक करके रखना, लॉक करके रखना पड़ता है चेंबर को। इसको जैसे चेंबर में आपको मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे चेंबर हर किसान के लिए तो इतना बनाना बहुत डिफिकल्ट रहता है? हाँ हर किसान तो नहीं बना सकता इसको चेंबर को, क्योंकि इसकी लागत थोड़ी सी ज्यादा है। तो आपने किस तरह से बेनिफिट किया कि डायरेक्ट आपने पूरा पैसा इन्वेस्ट किया कि कुछ सब्सिडी भी मिलती है? इसमें सब्सिडी तो क्या है कि लेट आती है, अभी तो खुद से ही वो करके किया है और लोन वगैरह लेके बैंक से लोन लेके इसमें किया है अभी। सब्सिडी इसमें क्या है कि अभी तक तो नहीं डली, पर आया जाएगी, लेट आएगी थोड़ी। इसमें गवर्नमेंट तरफ से सब्सिडी है, उद्यानिकी विभाग से आप जाके संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको बता देंगे कि हाँ कितने परसेंट मिलेगी आपको, लो आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी, जिसमें ये
50 लाख का प्रोजेक्ट था तो इसमें 35% 35% सब्सिडी है। जैसे कुछ ऐसा रहता है कि इसमें लाइसेंस और इनकी भी रिक्वायरमेंट रहती होगी? हाँ, इसमें लाइसेंस, हमने पहले फूड प्रोसेसिंग से लाइसेंस लिया इसका, इंस्पेक्टर से, उसके बाद जो भी लोन और इनकी पूरा आपने? हाँ, उसके बाद करना पड़ता है। जैसे ये ट्रेनिंग का कुछ रहता है कुछ? इसमें ट्रेनिंग का गए थे हम 2-3 रोज, जैसे जहाँ पे चेम्बर बने हैं वहाँ पे उनसे जाके देखा, वहाँ पे 2-3 रोज रुके किस टाइप से कैसे पकाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक हम करने लग गए, नॉलेज में आ गया था हमारे। जैसे इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहते हो कि ये भी हो सकता है? इसमें क्या है कि हमने किसानों के लिए ज्यादा तो वो किया है, जैसे किसानों के क्या कुछ हवा में 4 पेड़ पौधे गिर गए केले के, तो वो क्या बेचने वाला 4 नहीं ले जाएगा, तो उसको क्या करते हैं कि किसान यहाँ पे ले आते हैं, जिनका जो भी रेट रहता है उनको हम दे देते हैं, हम पका के बेच देते हैं, या तो खुद पका भी सकता है वो, उसके हिसाब से जो हमारा चार्ज रहता है वो चार्ज दे दे कैरेट का, खुद भी पका के ले जा सकते हैं वो। ओके, जैसे कोल्ड स्टोरेज में आप जिस तरह से चार्ज लेते हैं उस तरह से आप भी, आपको भी चार्ज दे दे तो आप? हाँ, हम भी पका के दे देते हैं इसका चार्ज है। जैसे सर आप तो लाइन आ चुकी है, थोड़ा और कुछ बता सकते हो? जैसे हाँ, जैसे ये लाइट आ गई अभी, इसमें अभी 0 है, जैसे इसमें 0 करते हैं, 0 हो गया इस पे, क्या इसको 18 टेम्परेचर पे, इसको 18 या 20 पे सेट कर देते हैं इसको, जैसे सेट हो गया अभी, इसका अंदर का टेम्परेचर 22 है, ये 18-19 पे आएगा जैसे ही, इसको फिर उसके बाद गेसिंग करते हैं। जैसे फैन चालू हो जाते तो गैस छोड़ने के लिए इस फैन का यूज भी करते हो कि ये फैन के पास एक पाइप लगी हुई है ब्लू कलर की, उससे गैस आती है, तो ये फैन चलता है, उससे क्या है एथिलीन गैस पूरी फैल जाती है इसमें रूम में पूरे। कुछ खाली चैम्बर भी होगा आपका? खाली तो अभी क्या सभी फुल है, खाली नहीं है चैम्बर। ये आउटपुट है? हाँ, ये आउटपुट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। इसमें जैसे ये, इसको अभी 4 रोज हो गए, मतलब 48 घंटे में ये पक के बाहर आ जाता है, 48 घंटे में इसको खोल देते हैं तो थोड़ा सा नरम होके कलर आने लग जाता है इस पे लूज होके। जैसे कि एथिलीन का जो आपने बताया कि नेचुरल होती है, हाँ, इसका तो मतलब किस हिसाब से नेचुरल होती है थोड़ा समझा सकते हो? क्योंकि यूजर बहुत यही क्वेश्चन पूछते हैं कि नेचुरल किस तरह से इसका एथिलीन का, ये है कि ये एथिलीन नेचुरल इस टाइप से होती है, जैसे जो पेड़ पे जो खेत में पका हुआ केला रहता है इस टाइप से ही एथिलीन का काम है, वो भी नेचुरल, इसीलिए उसको बोलते हैं कि ये इसमें एथिलीन शरीर को नुकसान नहीं देती है जो केले खाते हैं, और जो कार्बाइड से पकाए जाते हैं वो केले कार्बाइड और केमिकल से, जैसे केमिकल पानी में डाल दो और उसको डुबो के केले को निकाल लो तो उससे 2 रोज में केला पक जाता है, और वो शरीर के लिए वो बहुत हानिकारक है, तो इस टाइप से एथिलीन उससे पका हुआ केला, गवर्नमेंट भी वो करती है कि एथिलीन से पका हुआ केला खा सकते हैं आप। जैसे आपने कार्बेट से पकाते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो उसमें कुछ जैसे पानी में भिगो के आप रखते हो तो उसमें कुछ मिनरल से चले जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक रहते हैं? वो क्या है कि उसमें केले में कुछ, अब जो केमिकल ही बोल दिया तो वो केमिकल ही है समझो, उसमें पानी में डाल देते हैं उसको, तो क्या वो केले को लगता है उसके अंदर चले जाता है केले के, तो उससे क्या है कि केला जल्दी पक जाता है, पर वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये गैस के फार्म में रहता है? हाँ, ये गैस के फार्म में रहता है। सर, जैसे कि आपने कहा कि इसको ये प्रोसेस रहती है, एक दिन तो आप जैसे गैस छोड़ते हो कितने घंटे तक? 36 घंटे? कितने घंटे? 36 घंटे तक गैस में रखते हो? हाँ, गैस 1 घंटे छोड़ने के बाद 36 घंटे आप रखते हो? हाँ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसको निकालते हो? निकाल लेते हैं। फिर निकालने के बाद उसको पकने की प्रोसेस मतलब कि जो पकने की प्रोसेस तो गैस के बाद चालू हो जाती है उसके। हाँ, जैसे ही गैसिंग करी एथिलीन की, उसके बाद पकने की प्रोसेस चालू हो जाती है, तो उसमें जैसे 36 घंटे तक तो उसको लॉक करके रखते हैं, उसके बाद खोल के उसकी गैस बाहर निकाल देते हैं, फिर वापस उसको लगा के 12 से 14 घंटे तक रखते हैं, तो उसमें क्या है केला पक के बाहर आ सकता है। जैसे
बेचने तैयार हो जाता है। ओके, और जैसे पक गया उसके कितने टाइम तक आप स्टोर करके रख सकते हो? सड़े निकला इसको 3 से 4 रोज तक स्टोर करके रख सकते हैं, और कच्चे केले को तो 10 से 12 रोज तक रख सकते हैं इसमें। तो जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जैसे पकने की प्रोसेस भी धीमी कर सकता है कि पकने की प्रोसेस वही रहेगी? पकने की प्रोसेस धीमी कर सकते हैं, कम गैसिंग करेंगे तो धीरे पकेगा वो। इसको ज्यादा दिन जैसे लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन में दिक्कत आई थी हमारी केले की जैसे, तो उसको क्या करा कि कम गैस करके उसको लंबे टाइम तक चला सकते थे। जैसे जैसे पकाना नहीं केले को, अभी जैसे सीजन आउट हो जाता है जैसे अपना हार्वेस्टिंग के लिए माल कटने को आ गया है, अभी भाव कम है इसके वजह से, तो उसको स्टोर करके अपन जैसे 12 से 15 उसमें एथिलीन गैस नहीं डालेंगे, उसमें छोड़ेंगे, हाँ सिर्फ कोल्ड रखेंगे टेम्परेचर पे, कि ये 18 से 19 टेम्परेचर रखते हैं उस पर, उसको कोल्ड रखेंगे तो उससे केला खराब नहीं होगा। ओके सर, जैसे ये तो हो गए पूरे प्रोसेस पर, ये लोकल एरिया में जैसे बनवाना है किसी को, तो यहीं के कारीगर बना सकते हैं कि आपने कुछ बाहर से बुलाए थे कारीगर? सर ये जैसे दिल्ली से इंदौर से कांटेक्ट किया था, तो दिल्ली वालों से अपन हमने बनवाया था ये लोकल में, अभी इंदौर वगैरह से भी बना रहे हैं, इंदौर वाले भी बना रहे हैं जैसे, इस पर क्वालिटी अच्छी लगी हमको उसको पहले देख के, तो हमने दिल्ली वालों से बनवाया ये। तो कुछ कॉन्टेक्ट आप मिल जाएंगे उनके? हाँ उनके कॉन्टेक्ट। ओके, तो कॉन्टेक्ट में लेके उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जो जिसको भी बनवाना हो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते। ओके सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और आपका धन्यवाद। और इसके साथ आपने बताया था ऑटोमेशन के बारे में। हाँ, ऑटोमेशन का भी जो खेती से जो ड्रिप वगैरह ऑटोमेटिकली चलती है, ऑटोमेशन भी लगा हुआ है। ओके दोस्तों, यदि आपको ऑटोमेशन के बारे में जानना है, तो फ्यूचर में और सर का एक नया वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको ऑटोमेशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा। ओके सर, धन्यवाद सर।